बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉले टीवी। आज की दो बड़ी खबरें पेंशनर्स के हवाले से बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। पहली अगर बड़ी खबर की तरफ चलें तो 25 लाख पेंशनर्स अकाउंट मुंजमद कर दिए बायोमेट्रिक तस्दीक की हदायत। पेंशनर्स अकाउंट्स बहाली और पेंशन अदायगी के लिए नए फॉर्म पर मालूमात बैंक को जमा करवाना होगी। वफाकी हुकूमत ने 25 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स अकाउंट को आर्जी तौर पर मुंजमद कर दिया। वफाकी हुकूमत ने पेंशन की बायोमेट्रिक तस्दीक और फिजिकल जांच तक पेंशन अदायगी रोक दी। वजारत खजाना ने 25 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स की बायोमेट्रिक तस्दीक कराने के अहकाम जारी कर दिए। अहकाम के मुताबिक बैंकों काम पेंशनर्स को बायोमेट्रिक तस्दीक करेंगे। अपने अकाउंट्स की बहाली और पेंशन की अदायगी के लिए नए फॉर्म पर अपनी मालूमात बैंक में जमा करवाएंगे। ऐसे मोतबर अफराद जिनकी उंगलियों और अंगूठों की लकीरें ख़त्म हो चुकी हैं, अब बायोमेट्रिक नहीं हो सकती, वो अपनी मालूमात के हमरा शनाख्त का नया फॉर्म जमा करवाएंगे। इसके अलावा एक और दूसरी बड़ी खबर आपके साथ शेयर करता चलूं। पेंशन और दीगर मराद ख़त्म करने की कोई तजवीज़ नहीं है। इससे पहले एक बड़ी खबर आई थी पिछले दिनों, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की, असल में वो खबर थी जिसमें कहा गया था कि जितने भी नए मुलाजमीन भर्ती होंगे उन पर पेंशन का इतलाक नहीं होगा। तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत की तरफ से भी आज एक बड़ी अपडेट आ गई है कि पंजाब में आइंदा सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन या दीगर मराद को ख़त्म करने की कोई तजवीज़ ना ही इस पर कोई काम हो रहा है। ज़राए के मुताबिक चंद माह कबल महकमा ख़जाना पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को आइंदा भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन के खात्मे पर ब्रीफिंग दी थी, मगर बाद में इस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।